हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग जो कि काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें शेयर किया है अपने घर का थर्ड बेडरूम आप लोगों के साथ, जो कि गेस्ट रूम है, और इस पे जो भी काम किया है वो हमने खुद किया है। तो ये जो पिक्चर है ये उस टाइम की है जिस टाइम पे हमने इस घर को ख़रीदा था लास्ट ईयर। तो ये इस कंडीशन में हमें मिला था और हमने इस घर पे बहुत काम किया। हमने इसकी ड्राइवर्स चेंज की हैं और इस पे इंसुलेशन लगाई हैं, जिसमें कि मेरे बेटे ने भी काफ़ी हेल्प की है। तो हमने अपना काम शुरू किया इस घर के पुराने ड्राइवर को हटाने से। हमने इस घर के पुराने ड्राइवर हटाई और फिर इंसुलेशन की। इंसुलेशन की ज़रूरत इसलिए होती है कि जब भी घर पे हीटिंग और कूलिंग चलती है तो वो लीक ना हो और हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए। अगर हीटिंग और कूलिंग लीक होती रहेगी तो HVAC कंटिन्यूसली चलता रहेगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। तो उस सेविंग के लिए हमने यहाँ पे इंसुलेशन की है। यहाँ पे इंसुलेशन छत की होती है, बेसमेंट की होती है और वॉल्स की होती है। हमने हमारा फ्लोरिंग का काम भी खुद ही किया है। शुरू में काफ़ी टफ लग रहा था लेकिन एक दो वीडियोस देखने के बाद ट्रिक समझ में आ गई और उसके बाद हमने इसको इजीली कर लिया। इतना इजी टास्क भी नहीं था इस घर को रेनोवेट करना, और अभी काम चल ही रहा है। अभी हमने पूरे घर को फिनिश नहीं किया है पर हम ऑलमोस्ट डन है। हमने इस घर का काम खुद क्यों किया? तो जिस टाइम पे हमने ये घर लिया था उस टाइम पे हमने काफ़ी सारे हैंडीमैन्स और कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट किया था और उन लोगों ने इस घर को विज़िट करके उनके कोट्स दिए थे। और क्योंकि हम लोग इंडिया से हैं तो हर चीज़ को इंडियन करेंसी में चेंज करके देखते हैं, और जो कि हमें काफ़ी हाई प्राइस लगा। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इस काम को खुद ही एक ट्राई दें, और अगर हमसे नहीं होगा तो एज ए लास्ट ऑप्शन हमें कॉन्ट्रैक्टर्स या हैंडीमैन को हायर तो करना ही है। और इसका एक दूसरा पॉइंट ये भी था कि हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने जो पैसे हैं उनको टूल्स पे इन्वेस्ट करें जो कि फ्यूचर में भी हमारे काम आएंगे। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी वाइज डिसीज़न लिया। अब हमें पता है कि हमारे घर में कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ से वायरिंग है, कहाँ से प्लम्बिंग है। कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें पता है कि हमें कहाँ से उस चीज़ को ठीक करना है, और इससे हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल गया। हालांकि टाइम काफ़ी लगा। हम लोग मंडे टू फ्राइडे काम करते थे और वीकेंड पे अपने घर पे काम करते थे, तो इस वजह से भी काफ़ी टाइम लगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ वीक में दो दिन होते थे घर पे काम करने के लिए। तो इस काम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगा इस वो ये था कि इससे मेरा कॉन्फिडेंट काफ़ी रेज हुआ और हम अब काफ़ी स्किल्ड हो गए हैं। अब हमें हर चीज़ का पता है कि कौन सी चीज़ कैसे होनी है, और अगर थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो हम फिगर आउट कर लेते हैं। तो इस काम ने हमें काफ़ी ज़्यादा करेज दिया है किसी भी नई चीज़ को ट्राई करने के लिए। खुद काम करना बहुत आसान नहीं था, तो बहुत मुश्किल भी नहीं था। हालांकि हमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ा हर चीज़ के ऊपर कि इसको कैसे करना है, पर एक बार जब हमें समझ में आ गया तो उसको करना काफ़ी आसान हो गया।
और ये जो हमारा रूम है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और जिसका वीडियो मैं अभी डाल रही हूँ, ये हमारा थर्ड बेडरूम है जो कि गेस्ट रूम है। और इसमें हम अपने बर्ड्स रखते थे सर्दी में, क्योंकि हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं थी उनको बाहर रखने के लिए, तो हमारी फिंचेज इस रूम में रहती थी। हम लोगों ने इस रूम पे पहले एक कोट कर लिया था पेंट का, और अब हम इस पे दूसरा कोट कर रहे हैं। और इसमें कुछ फिनिशिंग टचेस बाकी थे जो कि हमें करने थे, तो वही अब हम कर रहे हैं। यहाँ पे हो रहा है क्लोज़िट डोर के फ्रेम का ट्रिमिंग जो कि थोड़ा बड़ा रह गया था। और ये है उस रूम की क्लोज़िट। इस क्लोज़िट पे पहले लगे हुए थे लकड़ी के स्लाइडिंग डोर और हमने उसको रिप्लेस किया इस मिरर स्लाइडिंग डोर से। हालांकि मुझे स्लाइडिंग डोर इतने पसंद नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को ये मिरर डोर काफ़ी अच्छा लगा था और फिर हमने इसी को फाइनल किया लास्ट में, और अब ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, तो मेरे हस्बैंड का डिसीज़न ठीक था। यह है रैक जो कि मैंने चूज़ किया है इस रूम के लिए। हमारे जो मास्टर बेडरूम है उसमें जो रैक है वो वॉल में ही लगा हुआ है, फिक्स्ड है, उसको हम मूव नहीं कर सकते हैं। पर इसको अगर मुझे लगे कि मुझे इसकी जगह कुछ और चाहिए तो मैं इजीली इसको रिप्लेस कर सकती हूँ किसी भी चीज़ के साथ, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें नीचे बॉटम में शू के लिए स्पेशल रैक है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये है इस क्लोज़ेट का फाइनल लुक जो कि मुझे बहुत क्लासी लगा। वैसे तो इस रूम का काफ़ी सारा काम हो चुका था, लेकिन फ़ाइनल टचेस देने में ही काफ़ी टाइम लग गया। हमें इस रूम में मोल्डिंग लगानी थी जो कि एक टाइप का फ्रेम है जो कि वॉल्स को फ्लोर से अटैच करता है और रूफ़ को वॉल से अटैच करता है, जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको कवर करना होता है, वो मोल्डिंग होती है। और इसको करने में भी काफ़ी ट्रिक लगानी पड़ी क्योंकि हमें शुरू में समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे होगा।
तो एज़ यू कैन सी कि हमने अपना इलेक्ट्रिक वर्क भी खुद ही किया है, हमने अपने सारे प्लग पॉइंट्स और स्विचेस और लाइट्स खुद ही लगाई हैं, जो कि अभी फुली डन नहीं है, हाफ ही डन है, लेकिन जल्दी ही मे बी नेक्स्ट 3-4 वीक्स हम सारे काम से डन हो जाएंगे। यह है हमारे रूम की सीलिंग लाइट जो कि मैंने चूज़ की थी, और हमारे तीनों बेडरूम्स में सेम लाइट है, और मैंने किचन के लिए भी सेम लाइट चूज़ की है क्योंकि इसकी टेक केयर और क्लीनिंग काफ़ी इजी है। इसमें ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं है कि वहाँ पे डस्ट चली जाएगी और उसको साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो काफ़ी सिंपल सा और यूनिक सा डिज़ाइन था जो कि मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे जादू कर रहा है मेरी हेल्प इस लाइट को निकालने में, उसको किसी भी चीज़ की पैकेजिंग खोलने में बड़ा मज़ा आता है, वो हमेशा कोई भी पैकेज आता है तो उसका होता है कि मुझे इसको खोलना है, मुझे देखना है इसमें क्या आया है, तो इस चीज़ को बहुत इंजॉय करता है। ये है इस कमरे का फाइनल लुक, और इसको देख के ना काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए कि जिनको कुछ भी नहीं आता था और हर चीज़ को वीडियो देख के हमने कंप्लीट किया, और फिर भी हमने इस रूम को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया। आई थिंक हैंडीमैन या कॉन्ट्रैक्टर इतना अच्छा काम नहीं कर सकते थे जितना हमने अपना पूरा एफर्ट्स डाल के इसको किया है, तो मैं इसके फाइनल रिज़ल्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। ये था हमारे गेस्ट रूम का रेनोवेशन, मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इससे, और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं इस रूम को कैसे अरेंज करती हूँ। ये वीडियो शायद मैं नेक्स्ट 2-3 वीक्स में डालूँगी, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने जो बाकी रूम्स हैं और घर के जो बाकी पार्ट्स हैं उनके रेनोवेशन। दिस इज़ ऑल आई गॉट फॉर टुडे, सी यू सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग।